हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स रहा है हमारा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, उस सभी को हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं उत्तराखंड जनवरी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसमें प्रदेश की जो महिलाएँ हैं उसको 30% हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जिस कैटेगरी की जो सीट होगी, जैसे मान लिया जनरल हो गया, एससी, ओबीसी और एसटी में जो रिजर्वेशन होगा उसमें ये 30% महिलाएं होंगी। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण का मतलब यह है कि उस कैटेगरी में लगेगा ये 30%। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सीएम हेल्पलाइन का नंबर एक इशू हुआ है 1905। नेक्स्ट है इसमें मसूरी में विंटर कार्निवल 2022 का सफल आयोजन हुआ है, जो कि 2013 से संचालित है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसका आयोजन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें टिहरी झील में नेशनल चैम्पियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट क्लब का उद्घाटन किया है 28 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 38वें राष्ट्रीय खेल की जो मेज़बानी है वो भारत के सभी राज्यों में से उत्तराखंड को दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं फरवरी में क्या क्या नवीनतम घटनाएं हुई हैं। तो नकल विरोधी जो कानून है उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसको कहा गया है उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023, ये पास किया है। इसमें जो अधिकतम सज़ा हो सकती है वो आजीवन कारावास प्लस 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है इसमें जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है दिल्ली में, उसमें जो उत्तराखंड की झांकी थी उसका नाम था मानस खंड। ठीक है, और इसको सभी झांकियों में प्रथम स्थान मिला है 26 जनवरी 2023 की जो झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा गोरा योजना के तहत जो राशि दी जाती है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, उसको वृद्धि की गई है। बालिका के जन्म के समय माता पिता को 11,000 रुपये की जो धनराशि है वो दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में 4 नवंबर 2022 से। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, 2025 तक 1,25,000 यानी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब ये किस तरीके से लखपति बनाएंगे कि जो इनका उद्योग है उसके माध्यम से छोटे छोटे रोजगार देके ये लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है इसमें ग्रामीण उद्यमियों, जो ग्रामीण के उद्योगपति होते हैं उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको गुल्लक नाम दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड उद्यमिता समिट गुल्लक इसको नाम दिया गया है, जो कि 10 जनवरी 2023 को आयोजित हुई है। ठीक है, और मंडुआ जो अनाज है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने जारी किया है, जो कि है 3,578 प्रति क्विंटल घोषित किया है। ठीक है, 3,000 कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि उसका जो रेट है वो प्रति केजी में क्या है, तो 3,000 यानी 35.78 रुपये प्रति केजी घोषित किया है राज्य सरकार ने। ठीक है, और जो केंद्र सरकार है वो 0.096 लाख मीट्रिक टन मंडुआ खरीदेगी राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मार्च में देखते हैं क्या क्या घोषणाएं हुई, क्या क्या नवीनतम समसामयिक की घटना रही है। मिशन ड्रग फ्री देवभूमि का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना है। कई बार लक्ष्य पूछ लिया जाता है कि ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य किस सन तक रखा गया है, तो 2025 तक का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना, ये एक नई योजना शुरू की है
राज्य सरकार ने, जिसमें कि जो अंत्योदय योजना के तहत आने वाले जो परिवार हैं उनको 3 रिफिल निःशुल्क मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा, इस योजना की जो शुरुआत है वो पौड़ी से की गई है, ठीक है। तो अंत्योदय इस योजना के तहत मैक्सिमम कितने सिलेंडर मिलेंगे एक साल में, 3 रिफिल सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, और योजना की जो शुरुआत है वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हुई है। नेक्स्ट है यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट, ठीक है। ये यमुनोत्री के लिए रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है राज्य सरकार ने, जिसकी कुल लंबाई होगी 3.38 किलोमीटर। SRM इंजीनियरिंग एंड FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कुल जो इसकी लागत होगी वो 166.82 करोड़ होगी। नेक्स्ट है देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, पूरे देश की पहली है ये ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन 10 फरवरी 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है देहरादून में। नेक्स्ट है इसमें अप्रैल में देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो जो हमारे 3 मुख्य अनाज है उत्तराखंड के स्थानीय, जैसे कि मंडुआ और झंगोरा, सोयाबीन और चुलाई, इन तीनों का ही, इन चारों का ही जो समर्थन मूल्य है वो सरकार ने घोषित कर दिया है। मंडुआ का हमने देखा है कि 35.78 रुपये प्रति केजी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ है। झंगोरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल यानी कि 25 रुपये प्रति केजी निर्धारित हुआ है। सोयाबीन का 40 रुपये प्रति केजी और चुलाई का 50 रुपये प्रति केजी निर्धारित हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। परीक्षार्थियों को, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी है, उत्तराखंड परिवहन की बसों में 50% छूट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2023 जो राज्य सरकार ने जारी किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल जो बजट है वो 77,407.08 करोड़ का रहा है टोटल बजट। सर्वाधिक जो खर्च होगा इस बजट में वो शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग को दिया गया है 10,459.55 करोड़। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि टोटल बजट में किस मद में सर्वाधिक खर्च किया गया जाने का प्रावधान है, तो ये सर्वाधिक जो है इसमें शिक्षा एवं युवा कल्याण के लिए खर्च होंगे। नेक्स्ट है G20 की जो बैठक है वो रामनगर में आयोजित हुई है 28 मार्च से 30 मार्च, ठीक है, जिसमें 17 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। पहली जो बैठक हुई थी वो 25 से 28 मई को वर्किंग ग्रुप ऑफ एंटी करप्शन पर हुई थी नरेंद्र नगर में, ठीक है। दूसरी जो बैठक हुई है वो मतलब होनी प्रस्तावित है, ठीक है। ये पहली बैठक जो हुई है नॉर्मली जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद पहली और दूसरी बैठक प्रदेश में होनी प्रस्तावित है जो 25 से 28 मई को होगी वर्किंग ग्रुप ऑफ एंटी करप्शन पर नरेंद्र नगर में, और दूसरी बैठक प्रस्तावित है 26 से लेकर 28 जून को वर्किंग ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कि ऋषिकेश में होनी है। नेक्स्ट है चारधाम की जो यात्रा है वो प्रदेश में स्टार्ट हो चुकी है, और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब से स्टार्ट हुई है। तो यमुनोत्री के जो धाम के कपाट हैं वो 22 अप्रैल दिन 12:41 पर ओपन हुए हैं। गंगोत्री के जो कपाट हैं वो 22 अप्रैल दिन में 12:35 पर ओपन हुए हैं। केदारनाथ जी के कपाट जो हैं वो 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर ओपन हुए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुले हैं। नेक्स्ट है इसमें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2023, इनकी घोषणा कर दी गई है। अब देख लेते हैं किस चीज़ को मिला है। तो लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, धीरेंद्र कुमार सेन, कमलेश कुमार तिवारी, संदीप कुमार डुकलान, इन तीनों को उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एथलीट खिलाड़ी हैं सुरेश चंद्र पांडे, इनको दिया गया है। तो ये था हमारा जनवरी से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर। थैंक यू।